बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग कुकिंग व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से बाहर अफियत होंगे। तो जनाब, आज आप ये देख रहे हैं मैंने बनाया है मसाला भिंडी, जो कि बहुत ही फेवरेट है। तो जनाब बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये ली है मैंने, जो आम छोटी भिंडी है वो नहीं ली मैंने, ओकरा लिया, जो बड़ी भिंडी होती है लंबी वाली, ये वो ली है। और जनाब इसको मैंने तकरीबन आधा इंच के साइज़ में काट लिया है। आधा किलो भिंडी थी, आधा किलो ही तकरीबन मैंने प्याज लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। तकरीबन एक कप मैंने दही लिया है और 2 से 3 अदद टमाटर लिए हैं। बस ये चीज़ें हैं, मसाले जो हैं वो नॉर्मल जो हम इस्तेमाल करते हैं वही हैं। चीज़ें जो हैं, हर एक बनाने का तरीका जो है वो हर एक अपना अपना है। चीज़ें माशाल्लाह वही हैं जो सब यूज़ करते हैं, बस बनाने के तरीके में फ़र्क होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ऑयल लूँगी और उसमें मैंने ज़ीरा डाला और भिंडी को मैंने जनाब फ्राई फ्राई नहीं, मतलब कह लें सोते किया, शैलो फ्राई जो होता है वो चीज़ हमने करना है। और ऑयल, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ कि हिफ्ज़ान सेहत के असूल के मुताबिक, थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया इसमें और इसमें थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला ताकि इसकी जो गम होती है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने ऐसे ही फ्राई किया और इसके बाद इसको मैंने निकाल लिया। फिर उसी बर्तन में मैंने जनाब ऑयल डाला और उसी में मैंने जनाब फिर बाकी मसाला जात, जैसे प्याज वगैरह है उसको डाले मैंने, उनको सोते किया। प्याज मैंने हल्का सा सोते किया है क्योंकि भिंडी में प्याज जो है वो खड़ा खड़ा ही अच्छा लगता है। और उसके बाद जनाब मैंने उसमें नमक मिर्च वगैरह प्याज वगैरह डाली, सारी चीज़ें डाल के मसाला भून के, और एंड पे जनाब मैंने क्या किया, उसी में मैंने फिर दही वगैरह भी यूज़ किया और एंड पे जहाँ मैंने क्या किया है, भिंडी डाल दी है और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आँच पर रख दिया। और दैट्स इट, हमारी भिंडी तैयार हो गई। आप मेरी वीडियो देखिए पूरी, आपको पता चल जाएगा मसाले कोई मैंने हाथ से इस्तेमाल किया, हर घर का मसाला आम नॉर्मल जो नमक मिर्च ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी काली मिर्च जो है ये मैंने यूज़ की है, और विनीगर और दही का इस्तेमाल हुआ है, इसके अलावा और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। आप देखिए पूरी वीडियो और इन्जॉय कीजिए और अपनी फीडबैक का इजहार हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि आया हमारा काम अच्छा है या नहीं। तो वीडियो देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।